हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बच्चों को राइम कैसे पढ़ाई जाती है, राइम कैसे सिखाई जाती है, इस पर है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग आपको ये सुनने में लग रहा है, उतना ही इंटरेस्टिंग इसे कराने में भी होता है। राइम हम बच्चों को क्यों कराते हैं? पहली बात, बच्चों को हम राइम इसलिए कराते हैं क्योंकि बच्चा उसे इंजॉय करता है और इंजॉय करने के साथ साथ वो बहुत सारी चीजें सीखता है। तो हमें राइम बच्चों को सिर्फ गाकर या बोलकर नहीं सिखानी है। कुछ पेरेंट्स कुछ जगह पर ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बच्चों को राइम सिर्फ बोल बोलकर रट्टा करवाते हैं। हमें राइम रट्टा नहीं करवानी, इनफैक्ट राइम ही नहीं, कुछ भी चीज हमें रट्टाफिकेशन नहीं करवानी है। रट्टा कराने से बच्चे को याद तो हो जाएगा बट उसका मतलब नहीं समझ में आएगा। जब भी आप बच्चे को राइम सिखाओ तो आप उसको एक म्यूजिक के थ्रू सिखाओ। बेशक आप घर पर ही क्यों ना उसे सिखा रहे हो, एक छोटे छोटे से पपेट्स बना लो, छोटे छोटे से ड्रॉ करके उसे समझाओ। आप राइम को इस तरह बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक राइम आपको बताऊं तो कुछ लोग इस राइम को इस तरह सिखाते हैं, जैसे फाइव लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड, वन फेल डाउन एंड बम्प हिज हेड। तो इसके पीछे बच्चे को कहते हैं आपको रिपीट करना है, एक लाइन को फाइव टाइम रिपीट करना है, फाइव लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, फाइव लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड। इस तरह बच्चे को रिपीट करवाते रहते, फिर नेक्स्ट लाइन रिपीट करवाते। ये कोई तरीका थोड़ी है राइम पढ़ाने का। बच्चों को हमें राइम उसको म्यूजिक की तरह खुद इंजॉय कर सिखानी है, क्योंकि अगर हम खुद उसे इंजॉय करेंगे तभी तो हम उसे बच्चों को इंजॉय करवा पाएंगे। तो हमें इस राइम को एनर्जेटिक होके सिखानी है, जैसे कि फाइव लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, वन फेल डाउन एंड बम्प हिज हेड, मम्मा कॉल्ड द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेड नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन द बेड। इस तरह आप खुद उसको एक्सप्रेशंस के साथ बताओगे तभी तो बच्चा उसे एनर्जी से करेगा और खुद इंजॉय भी करेगा। अगर आप बच्चों को बच्चे बनकर पढ़ाओगे, उनके साथ उनकी तरह लेवल में बनकर पढ़ाओगे, उनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं बनकर एक उनके साथ इंजॉय करोगे, तो आप भी बच्चों को अच्छा पढ़ा पाओगे और बच्चों को पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। उससे बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन होते हैं, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते हैं चीजों में। हमें उन्हें पैसिव नहीं बनाना है, ये नहीं कि हमें उन्हें बोलते जाना है और वो बस सुन रहे और रिपीट कर रहे, नहीं, हमें उनके साथ इंजॉय करवाना है, उन्हें हमारे साथ बुलवाना है ताकि बच्चे हमारे साथ वो चीज करने में इंटरेस्ट ले और इंजॉय करे, और फिर इसी के साथ उन्हें वो चीज याद भी हो जाती है। आप छोटे छोटे पपेट्स ड्रॉ बना सकते हैं और उसके थ्रू भी बच्चों को घर पर ये राइम्स करवा सकते हैं। और ये सिर्फ राइम के लिए ही नहीं है, अगर आप बच्चों को स्टोरी भी सिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह बच्चों को स्टोरी भी सिखा सकते हैं। चलिए फिर, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।